पिज्जा का नाम सुनते ही हम सबके मुंह में पानी आ जाता है आज शेयर करेंगे वेज पिज्जा की रेसिपी वो भी बिना ओवन और बिना ईस्ट के सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसका बेस हम गेहूं के आटे से बनाएंगे इसलिए हेल्दी भी है पिज्जा को हम तावे पर बनाएंगे और इस वीडियो में हम एक ट्रिक शेयर करेंगे जिससे आपका पिज्जा तावे पे झटपट बन जाएगा बिल्कुल ओवन जैसा तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले हम पिज़्ज़ा का बेस बनाएंगे एक परात में 250 ग्राम गेहूं का आटा लेंगे और इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक एक चम्मच चीनी चीनी डालने से हल्का मिठास भी आएगा और फर्मेंटेशन में हेल्प होगा अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर दो चम्मच रिफाइन ऑयल और चार पाँच चम्मच हल्की खट्टी दही इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दही डालने से पिज़्ज़ा का बेस मैदे के बेस जैसा सॉफ़्ट बनेगा अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूथ लेंगे जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं और इसे ढककर एक घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए अब गुथे हुए आटे से एक बड़े साइज़ की लोई लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेंगे न ज़्यादा मोटा और न ज़्यादा पतला इसके बाद एक फोर्क के हेल्प से इसके ऊपर इस तरीके से छेद कर लेंगे ताकि ये रोटी की तरह फूले नहीं गैस ऑन करके तावा रख देंगे और गैस के फ्लेम को एकदम कम रखेंगे पिज़्ज़ा बेस को तावे पे डालकर ढककर 6-7 छः सात मिनट के लिए पकने देंगे 6 सात मिनट के बाद चेक कर लेते हैं देखिए एक साइड से कितना क्रंची हो गया है और ये पिज़्ज़ा का ऊपर का साइड है जिसके ऊपर हम सीजनिंग करेंगे और ये है पिज़्ज़ा का नीचे का साइड गैस को बंद कर देंगे और पिज़्ज़ा बेस को प्लेट में निकाल लेंगे सबसे पहले पिज़्ज़ा बेस के ऊपर लगाएंगे दो चम्मच रिफ़ाइन ऑयल इसके बाद दो चम्मच मेयोनीज़। मेयोनीज़ वेज और नॉन वेज दोनों आता है आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद लगाएंगे दो चम्मच शेजवान चटनी या पिज़ा सॉस जो आपको मिल जाए और दो चम्मच टमाटो सॉस इन तीनों को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे और इसके बाद मन चाहे वेजिटेबल्स लगाएंगे हमने शिमला मिर्च टमाटर और प्याज़ यूज़ किया है आप मशरूम पनीर भी यूज़ कर सकते हैं और आखिरी में डालेंगे ग्रेडेड चीज़ अब हम पिज़्ज़ा को तावे पे रख कर गैस के फ्लेम को एकदम कम कर देंगे और इसे ढक देंगे अगर आपके पास इस तरह का ढक्कन नहीं है तो आप किसी भी स्टील के बर्तन से ढक दें जो इसे अच्छी तरीके से कवर करे और जो स्टीम बन रहा है वो बाहर ना जाए अगर स्टीम बाहर जाएगा तो पिज़्ज़ा के ऊपर की सब्ज़ी पकेगी नहीं और अब हम छः से सात मिनट का वेट करेंगे अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो अमेजिंग ट्रिक जिससे आपका पिज़्ज़ा झटपट बन जाएगा इस पिज़्ज़ा में तो हमने कच्ची सब्जियों को पिज़्ज़ा के ऊपर डाला है लेकिन अगर आप सब्जियों को पहले ही 50 परसेंट पका लेंगे तो आपका पिज़्ज़ा बहुत ही झटपट बन जाएगा कढ़ाई में मैंने दो चम्मच तेल डाला है और इसमें टमाटर को छोड़कर प्याज और शिमला मिर्च डालकर सिर्फ एक दो मिनट के लिए भून लेंगे ताकि ये फिफ्टी पक जाए तो अगर आप सब्जियों को पहले ही पका लेंगे तो पिज्जा आपका जल्दी बन जाएगा छः सात मिनट के बाद चीज पिघलने लगा है और इसके बाद इसके ढक्कन को हटा देंगे और कुछ देर के लिए और पकने देंगे देखिए पिज्जा के ऊपर की सब्जी भी पक गई है और चीज भी मेल्ट हो गया है और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे जिसके बिना पिज़्ज़ा खाने का मजा ही नहीं देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितना क्रंची बना है गेहूं के आटे से बना हुआ ये पिज़्ज़ा मैदे के बने हुए पिज़्ज़ा के मुकाबले ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है आप भी इस हेल्दी पिज़्ज़ा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू